रघुपति सहाय, जिन्हें उनके कलमी नाम फिराक गोरखपुरी के नाम से भी जाना जाता है, वो एक मुसन्निफ, नक्काद, अदीब और शायर थे, जिन्होंने अपने ज़माने के अजीम शोरा जैसे मोहम्मद इकबाल, यगाना चंगेज़ी, जिगर मुरादाबादी और जोश मलिहाबादी के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने उर्दू गज़ल को मानी, फिक्र, लफ्ज़ और इजहार के नए उफक दिखाए हैं। उनका ये शेर देखें आप, एक मुद्दत से तेरी याद भी आई न हमें, और हम भूल गए हो तुझे ऐसा भी नहीं। फिराक ने एक पूरी नस्ल को झिंझोर कर रखा था और अब भी अपनी शायरी से कर रहे हैं। उन्होंने शायरी की आबियारी में अहम किरदार अदा किया है। उनके इस शेर पर गौर फरमाएं। सितारों से उलझता जा रहा हूँ, शबे फुरकत बहुत घबरा रहा हूँ, जो उलझी थी कभी आदम के हाथों, वो गुत्थी आज तक सुलझा रहा हूँ। लफ्ज़ों का इंतखाब और सोच का ताना बाना हमें फिराक के यहाँ ही मिलता है। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की
आहट जान लेते हैं। खुद अपना फैसला भी इश्क में काफी नहीं होता, खुद अपना फैसला भी इश्क में काफी नहीं होता, गुजरी जो दिल में ठान लेती है, उसे भी कैसे कर गुजरी जो दिल में ठान लेती है। तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं।